तो ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट का समय निकाल के हमारी वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप लोग नए जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके और आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सीख सके, ठीक है। और अगर आप पर्सनल सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो पर नंबर दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो। लेकिन फालतू कॉल, संपर्क, मैसेज बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। तो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और आपके पास वीडियो है जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखें पूरा पूरा, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और ऐसा नहीं कि आपने वीडियो को खोला, बस 1 मिनट देखा, फिर आपको ऐसा लगा अरे अब तो हम बजा ही लेंगे, जब बजाने के लिए बैठे तो भूल गए, तो कहा कि अरे अच्छा नहीं सिखाया, ठीक है। नाच नहीं आवे आंगन टेढ़ा, ठीक कहते हैं ना, पुरानी कहावत है ना। तो भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। पाते हो लोग ही अपने आप, थोड़ा दिमाग यूज करो, देखो कैसे नहीं पाते हो, बैठे बैठे थोड़ी नहीं खाना मिल जाएगा भैया। खाना खाने के लिए भी खाना बनाना पड़ता है, और बनाने से पहले खाने का सामान लाना पड़ता है, और खाने का सामान लाने से पहले कुछ करना पड़ता है ना, तभी तो। अब देखो ध्यान से, चलिए हम चलते हैं हारमोनियम की तरफ, ये बातें छोड़ो। देखो ध्यान से, हारमोनियम में 3 सत्तक होते हैं, ठीक है, 16 ऋण होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 ऋण है, ठीक है। तो इस समय अभी हम चलते हैं मध्य शतक की पहली काली पर, यानी कि जो दूसरा शतक है उसकी पहली काली पर, यानी कि छठी काली पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से इस भजन को किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ही सुंदर भजन है, नटवर नांगर नंदा भजोरी मन गोविंदा, बहुत ही सुंदर भजन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। देखो नटवर नांगर नंदा सा रे मा कोमल गा रे सा, नटवर नांगर नंदा नटवर नांगर नंदा, नटवर नांगर नंदा भजोरी भजोरी मन गोविंदा, भजोरी मन गोविंदा, नटवर नटवर नांगर नंदा भजोरी मन गोविंदा, भजोरी मन गोविंदा, ठीक है। एक बार और देखो, नटवर नांगर नंदा गोविंदा। अब देखो इसकी अंतरा किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ही सरल है, कुछ इसमें करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो अंतरा, तू ही बाली
इस पे नहीं जाना है, ठीक है। जैसे अब उंगली यहाँ पे आ गई या उंगली यहाँ जा रही है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उंगलियां आपके जवाब के साथ ही साथ जाती है, ठीक है। भजोरे मन भजोरे मन, तो गड़बड़ हो जाएगा। भजोरे मन गो जिंदा नट बरी नांगरी नंदा, नट बरी नांगरी नंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, नट बरी नांगरी नंदा। बस आपको ये देखना है कि कौन कौन से रीडों पर उंगलियां जा रही हैं, ठीक है। फिर बिल्कुल सेम निकलेगा। नट बरी नांगरी नंदा, भजोरे मन गोविंदा। अब देखो रीड यही रहेंगे, इन्हीं रीडों पर पूरा गाना हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी यंत्रा भी इसी तरीके से निकलेगी, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ नहीं इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ध्यान से,